सबसे पहले जितने लोग यहाँ आए हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि इस महफिल में कुछ बोल सकूँ। आप लोगों ने मुझे इस पे खड़ा होने का सौभाग्य दिया, आपका आशीर्वाद है। और जहाँ तक इस पिता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि रील के लिए इतना खूबसूरत पिता और कोई हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो मेहंदी लगा के रखना में किया है, सच में कमाल किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। और जहाँ तक रजनीश भैया का सवाल है, तो रजनीश भैया एक ऐसे हीरा है भोजपुरी इंडस्ट्री के कि शायद अनजय रघुराज जी ने तरासा इनको, और उनकी एक भावना है अनजय रघुराज जी की, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर पे इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा और जिम्मेदारियों को इन्होंने इतनी बखूबी से निभाया कि एक इतिहास बन गई। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आपको जिम्मेदारी दिया जाए सही इतिहास रचने का काम करें, और मेरा विश्वास है आपसे और आज की डेट में तो हर आदमी का अपेक्षा आपसे बढ़ गई है कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अनजय जी तो अच्छा करते ही हैं, ये तो अपनी नज़रों से बहुत कुछ देखते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म के लिए इसी दुआ करिए, क्योंकि आपकी दुआ के बिना हर वो कलाकार, हर वो पोस्टर, हर वो फिल्म अधूरा है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि आप सब टेक्नीशियन, मीडिया, जो भी काम करने वाले लोग हैं, हीरोइन, विलेन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर तो एक फिल्म का बाप होता है। हम कलाकारों के हक बनता है कि हम प्रोड्यूसरों को इतने अच्छे से ट्रीट करें और अच्छे से टाइम से काम करें, ताकि अच्छी फिल्म का हिस्सा बन सके और रिकवरी भी उनकी उतना हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा जे दीवानापन जो हमारे सूरज जी हैं, हमारे अमित जी हैं, क्योंकि मैं एक कहानी आज 6 महीने से हम लोग चेंज ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हो रहा है और अच्छा करने की कोशिश हो रही है, नहीं तो इस फिल्म अब तक शूट हो चुकी होती। तो मुझे कुछ लगा तो मैंने कहा कि नहीं इसको चेंज करिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरी मेहंदी दीवानापन के रूप में बिखर के आए। प्लैनेट भोजपुरी।